वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे डेब्ट फंड के बारे में। तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा डेब्ट फंड्स के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। फ्रैंकलिन ने जो है अपने 6 डेब्ट फंड्स को बंद किया है। कई दूसरी कंपनियों के डेब्ट फंड की NAV में बहुत बड़ी गिरावट आई है और जो है बैंक ऑफ इंडिया एक्सा जैसे फंड में तो एक ही दिन में 50% तक जो है NAV गिर गई है। तो बहुत से इश्यूज जो हैं डेब्ट फंड के साथ हुए हैं, इसलिए जो है डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते समय जो है काफ़ी एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है और आम लोग जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे ही जहां उनकी मर्जी होती है इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि डेब्ट फंड में जो है आपको इक्विटी फंड से भी ज़्यादा जो है सोच समझ के इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो आज जो है हम बात करेंगे कितने तरह के डेब्ट फंड होते हैं और उनमें जो है किस प्रकार का रिस्क होता है और किस तरह के इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के लिए जो है कौन सा फंड सही होता है। तो एक वीडियो हमने बनाया था 5 महीने पहले नवंबर 18 को 2019 में, उसमें हमने बताया था कि डेब्ट फंड में जो है कुछ डेब्ट फंड ऐसे हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा रिस्क है और उनमें इन्वेस्टेड रहना काफ़ी खतरनाक है। तो इस समय जो फंड जो बंद हुए हैं लगभग वही हैं जिनका नाम जो है हमने अपने वीडियो में लिया था। तो आप जो है हमारा पुराना वीडियो नवंबर 2019 का जो था उसको जाके देख सकते हैं कि हमने जो है आपको पहले ही अलर्ट किया था कि कुछ फंड्स में जो है बड़ी सीरियस प्रॉब्लम चल रही है। अब रिस्क की बात करें अगर डेब्ट फंड में, तो यहाँ पर कुछ खास चीज़ें देखने वाली होती हैं। पहली चीज़ यह है कि जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा रिस्की वो फ़ंड हो जाता है। यानी कि अगर कोई फ़ंड ऐसा है जो 6 महीने की मैच्योरिटी वाला इन्वेस्टमेंट है जिसमें, और एक कोई ऐसा है जिसमें कि 3 साल की मैच्योरिटी वाला इन्वेस्टमेंट है, तो जो 3 साल वाला है उसमें रिस्क डिफ़ॉल्ट का ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा? क्योंकि अगर हम बात करें कि हमें किसी से कल पैसे वापस लेने हैं तो फिर भी चीज़ें जो है काफ़ी सर्टेन होती हैं, पर किसी से हम बोले कि हमें 3 साल बाद पैसे लेने हैं तो कई सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उस 3 साल के दौरान कोई वॉर हो सकता है, कोई कोरोना जैसी त्रासदी हो सकती है जिसके कारण जो है सामने वाले की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो सकती है और वो पैसा चुकाने में असमर्थ हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जितना लंबा टाइम पीरियड होता है, जितना लंबा टाइम फ्रेम होता है इन्वेस्टमेंट का, उतना ही जो है रिस्क बढ़ जाता है डेब्ट वाले इंस्ट्रूमेंट में। दूसरी चीज़ जो समझने की है कि सरकारी कंपनियां जो होती हैं उनका डेब्ट जो है वो सेफ होता है प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले, क्योंकि सरकारी कंपनियों की जो है गवर्नमेंट बैकिंग रहती है। इसी तरह से जो है गवर्नमेंट डेब्ट होता है वो प्राइवेट PSU कंपनीज के डेब्ट से भी सस्ता जो ज़्यादा सेफ होता है। यानी कि सीधा अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सेफ होगा। बाकायदा अगर हम PSU कंपनीज जैसे कि ले लेते हैं कि NMDC एक PSU कंपनी है, कोल इंडिया एक PSU कंपनी है, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट का डेब्ट है तो वो उनसे भी ज़्यादा सेफ रहेगा, PSU डेब्ट से भी ज़्यादा सेफ रहेगा। अगली चीज़ जो है वो समझने की यह है कि हर डेब्ट के साथ एक रेटिंग असाइन होती है, तो वो रेटिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही कम रिस्क होगा क्योंकि उतना ही कम डिफ़ॉल्ट होने का चांस रहेगा। अब ज़्यादा अगर हम सेफ्टी देखते जाएंगे तो हमारे रिटर्न भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा हमें रिस्क तो बढ़ाना ही पड़ता है। तो अगर हमें ज़्यादा रिस्क चाहिए तो ज़्यादा रिटर्न हमें तभी मिल सकता है, और दोनों को हम अगर अब बैलेंस कर लें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से तो हम जो है कम रिस्क के साथ जो है अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो पहली कैटेगरी का जो फंड होता है जो कि सबसे सेफ फंड हम कह सकते हैं वो है ओवरनाइट फंड। अब ये फंड जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड वाले जो एसेट्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है बहुत ही कम होती है, सिर्फ 24 घंटे की मैच्योरिटी पीरियड होती है। तो कई कंपनियां हैं, कई बैंक हैं जिनको जो है एक एक दिन के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वहां पे जो है इनका इन्वेस्टमेंट होता है। टाइम पीरियड क्योंकि बहुत छोटा है तो रिस्क यहाँ सबसे कम होता है। अब इस तरह के जो फंड हैं वो ऐसे इन्वेस्टरों के लिए अच्छे होते हैं जिनका 3 महीने तक जो है रखने का इरादा हो। उससे अगर ज़्यादा है आपका इरादा तो आपको इनमें जो है नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि रिटर्न यहाँ कम रहते हैं। दूसरी कैटेगरी की बात करें जो कि सेफ में ही आ जाते हैं वो है गिल्ट फंड। अब गिल्ट का मतलब हो जाता है गवर्नमेंट। तो यहाँ जो फंड होता है वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो है अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही करता है। अब क्योंकि सरकार डिफ़ॉल्ट नहीं होती है, सरकार के पास नोट छापने की ताकत होती है, तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन
सरकार जो रिटर्न देती है वो कम देती है, इसलिए जो है ये लोअर रिटर्न वाले जो है ऑप्शन हमारे सामने हो जाते हैं। तो रिटर्न लो रहेगा लेकिन सेफ्टी हाईएस्ट रहेगी। तीसरी कैटेगरी पे आते हैं तो ये होते हैं लिक्विड फंड। ये भी एक टाइप के डेट फंड होते हैं। अब ये ऐसे फंड होते हैं जो कि ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरकारी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अब इनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि 20% से ज़्यादा अपना पैसा किसी एक जगह ये नहीं डाल सकते, और इनके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनकी 91 डेज़ की मैच्योरिटी होती है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि 6 महीने तक जो है पैसे को रखना चाहते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो है लिक्विड फंड एक बढ़िया ऑप्शन होता है। चौथी कैटेगरी बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म डेट फंड जो है चौथी कैटेगरी हमारी हो जाती है। अब ये कंपैरेटिवली थोड़े से हाई रिस्क वाले हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी कंपनियों को म्यूचुअल फंड जो है वो पैसा देता है जिनकी होल्डिंग पीरियड जो बोलें या जिनकी डेब्ट की मेचोरिटी जो है वो 1 से 3 साल की होती है। यहाँ पे क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है, इसलिए जो है जो ट्रिपल ए रेटिंग वाले होते हैं सिर्फ उन्हीं को जो है उन्हीं में जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये जो है उन इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा है जहाँ पे जिनका जो है इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 साल तक का है। तो अगर आप 3 साल तक होल्ड करना चाहते हैं, ठीक ठाक रिटर्न चाहते हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। पांचवी कैटेगरी पे आते हैं तो वो आ जाती है कॉरपोरेट बॉन्ड फंड की। अब ये होते हैं प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड। तो यहाँ पे फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो 80% जो पैसा है वो प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, और ऐसे बॉन्ड में जिनकी हाईएस्ट पॉसिबल क्रेडिट रेटिंग होती है, यानी कि ट्रिपल ए कैटेगरी वाले। तो ट्रिपल ए कैटेगरी वाले जो बॉन्ड है उनमें 80% तक पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बाकी 20% जो है कहीं और कर सकता है फंड। और यहाँ पे जो है आपको 3 साल तक की अगर आप रख सकते हैं पैसा, तो आप जो है इनमें इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि इनका जो पोर्टफोलियो है उसकी रेटिंग जो है वो मेंटेन रहे, ख़राब ना हो रही हो। तो अगर यहाँ रेटिंग ख़राब हो रही हो, एलोकेशन सही नहीं है, तो ये फंड भी रिस्की हो सकते हैं। छठी कैटेगरी की बात करें तो छठी कैटेगरी आ जाती है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। तो जैसा नाम से समझ में आ रहा है, तो ये इन फंड में जो है इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, बैंक्स में होता है। यानी बैंकों को कभी कभार लिक्विडिटी के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है या नए कैपिटल के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे जो है वो बॉन्ड वगैरह जारी करके पैसा जुटाते हैं। तो इधर इन्वेस्टमेंट होता है, और सरकारी कंपनियों में, तो सरकारी कंपनी जैसे HPCL, BPCL, IOCL, कोल इंडिया वगैरह, तो ऐसी कंपनीज जो हैं उनको बोलते हैं हम पीएसयू कंपनीज। तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट होता है। अब क्योंकि बैंक हो या पीएसयू कंपनीज की बात की जाए, तो इनमें जो है सरकार का सपोर्ट होता है, इसलिए ये जो है फंड काफ़ी जो है सेफ कह सकते हैं हम। 3 साल तक अगर आप रखना चाहते हैं तो जो है आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट वाला रिस्क होता है। रिस्क ये रहता है कि जैसे मान लेते हैं कि आज जो है आपके फंड ने किसी ऐसे पीएसयू बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया जो कि 7% आपको ईयरली रिटर्न देगा, लेकिन अगर 1 साल बाद हम देखें यही रिटर्न जो है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, मान लेते हैं 9% बढ़ जाते हैं, तो जो नए आएंगे जो भी आएंगे बॉन्ड वो आपको हायर यील्ड पे आएंगे, तो ये हायर यील्ड जो है हम मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें ये थोड़ा सा नज़र रखना होता है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़े ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा रिटर्न जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो इसका जो है हमें ध्यान रखना होता है। सातवीं कैटेगरी का फंड होता है डायनामिक बॉन्ड फंड। अब क्योंकि इसके नाम में लगा है डायनामिक, तो डायनामिक का मतलब यह है कि ये चेंज होता रहता है। तो ये फंड जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फंड मैनेजर अपने हिसाब से तय करता है कि मैं लॉन्ग टर्म में ज़्यादा करूँ या शॉर्ट टर्म में ज़्यादा करूँ। फंड मैनेजर को जो महसूस होता है, अगर उसको लगता है कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ सकते हैं, तो वो क्या करता है, वो लॉन्ग टर्म डेब्ट में अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देता है। वहीं उसको लगता है कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट घट सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है। तो ये जो अगर उसका एनालिसिस है वो अगर सही जाता है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, लेकिन अगर ये गलत हो जाए तो रिटर्न जो है वो कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो है काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि
फंड मैनेजर जो है उसका खुद का एनालिसिस जो है कितना सही होता है उसके हिसाब से जो है रिटर्न आपके रहेंगे। तो इस तरह के फंड में जब आप इन्वेस्ट करें तो जो फंड मैनेजर है उसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में आपको जो है काफ़ी स्टडी करने की ज़रूरत होती है। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला फंड हो सकता है अगर मैनेजर सही हो, और अगर सही नहीं है तो गड़बड़ भी हो सकती है। तो यहाँ भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 3 साल आपका कम से कम पीरियड होना चाहिए। फिर हम आते हैं 8वें कैटेगरी के फंड में, जो हो जाता है क्रेडिट रिस्क फंड। ये होते हैं रिस्की फंड, और इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं। तो ये अपना 65% पैसा कहाँ रखते हैं, ये बिलो हाई रेटिंग वाले डेब्ट में डालते हैं। अब बिलो हाई रेटिंग का मतलब ये है कि AAA से नीचे की जो रेटिंग वाले होते हैं उनमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जिनकी रेटिंग कम होती है वो हमें रिटर्न जो है नॉर्मली ज़्यादा देते हैं, लेकिन अगर वो डिफॉल्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जो है हमारा लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें ध्यान रखना होता है कि किस तरह की कंपनीज में जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उनकी जो है डेब्ट प्रोफाइलिंग कैसी है, उनकी बैलेंस शीट कैसी है, उस चीज़ का जो है हमें ध्यान रखते हुए यहाँ इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी नज़र रखनी होती है कि जिन जिन कंपनीज में यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहाँ पे हम जो है उनकी बैलेंस शीट पे नज़र रखें। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, अगर ये आप खुद नहीं कर सकते तो कृपया इस तरह के फंड में इन्वेस्ट ना करें, और अगर आप करना ही चाहते हैं तो कोई अच्छा एडवाइज़र है उसी की सलाह पर जो है करें, अदरवाइज इस तरह के फंड आप अवॉइड करें। यहाँ पे अगर आपको ठीक ठाक रिटर्न बनाना है तो टाइम आपको लंबा देना चाहिए, 3 से 5 साल का। तो 3 से 5 साल अगर आप रुक सकते हैं तो ही जो है इधर इन्वेस्ट करें, अदरवाइज जो है इनको जाने दीजिए। तो अब तक जो हमने फंड देखे हैं उसके हिसाब से अगर हम इनका कैटेगराइजेशन करना चाहें कि कम रिस्क वाले, मीडियम रिस्क वाले या ज़्यादा रिस्क वाले, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। कम रिस्क वाले की बात करें तो गिल्ड फंड, ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड, ये कम रिस्क वाले फंड हो जाते हैं। मीडियम रिस्क या मॉडरेट रिस्क वाले कौन से हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म फंड हो जाएंगे, बैंकिंग फंड हो जाएंगे, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड हो जाएंगे। हाई रिस्क वालों की बात करें तो क्रेडिट रिस्क और डायनामिक बॉन्ड फंड जो है थोड़े हाई रिस्क वाले जो है फंड हो जाएंगे। तो जैसा आपका रिस्क प्रोफाइल हो, जैसा आपका समय अवधि हो, उस हिसाब से जो है आपको फंड जो है चूज़ करने चाहिए। बिना टाइम फ्रेम को देखे हुए, बिना फंड की प्रॉपर स्टडी किए हुए आपको इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी रिस्क होता है, ये मान के मत चलिए कि ये FD जैसे होते हैं और यहाँ रिस्क नहीं होता, हमारा पैसा इजीली बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, रिस्क हर जगह होता है। इस वीडियो को सपोर्ट किया है स्वास्तिक इन्वेस्ट स्मार्ट ने, जो कि देश की एक बहुत ही लीडिंग ब्रोकरेज फर्म है। 100 से भी ज़्यादा इसकी देश भर में ब्रांचेज हैं। NSE, BSE, स्टॉक एक्सचेंजेस पर जो है ये लिस्टेड कंपनी है। यहाँ पे आप जो है सिर्फ कुछ ही मिनटों में ट्रेडिंग अकाउंट अपना खोल सकते हैं, सिर्फ 3 घंटे में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आपको एक ट्रेडिंग ऐप मिलती है। अगर आपको ट्रेडिंग करना नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, इनके एक्सपर्ट जो हैं आपकी पूरी मदद करते हैं। टेलीफोनिक ट्रेड का यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता, आप जो है अनलिमिटेड टेलीफोनिक ट्रेड जो है फ्री में कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आपको इंट्राडे पर जो है मार्जिन भी मिलता है। तो अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करना है, और जो है आप यहाँ पे चुटकियों में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं।